हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए सी टेक यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलेगा आपकी हर प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन। तो आज हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि कई जगह जब हम आपकी बहुत सारी जगह आप कहीं अकाउंट बनाते हैं या कुछ भी, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये कुछ लोग पूछते होंगे, मतलब वहाँ पर पासवर्ड जब आप डालते हैं तो वो लोग मांगते हैं एक पासवर्ड 8 डिजिट का हो और वो जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। उसमें जो है नंबर होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको होती हैं। अगर आप फिर इतने कठिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं फिर वो अक्सर आप भूल जाते हैं। तो आज मैं उसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना चाहिए जिससे आप उसको भूलेंगे नहीं कभी। तो जैसे कि मैं अभी एक 8 कैरेक्टर्स का, जैसे यहाँ पर लिखा है 8 लिस्ट 8 कैरेक्टर्स, तो मैं आपको यहाँ से एक पासवर्ड बना के दिखाता हूँ। जैसे कि आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे पहले, और अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे जिससे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद अपना नाम पूरा आप जो है स्मॉल में लिख सकते हैं। उसके बाद अपना नाम ख़त्म होने के बाद आप कोई सिंबल लगा सकते हैं, जैसे कि हैशटैग या रुपी या फिर ऐट द रेट का, तो इस तरह का कोई सिंबल आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं जो है इसको बोलते हैं हाइफन। तो जैसे कि मैं ऐट द रेट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप कोई भी बेसिक नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जनरली लोग 1 2 3 यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप उसमें गिन सकते हैं कितने हो चुके हैं ACTech में, यहाँ पर 7 लेटर्स पहले हो चुके हैं, अब आपको 8 ही करने हैं, तो आप सिर्फ 1 यूज़ करके भी छोड़ सकते हैं, इससे आपको कोई ज़्यादा नंबर याद ना करने पड़े। वरना आप 1 2 3 4 5 तक, मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं इससे आपको हमेशा याद बना रहे। थैंक यू।